विद्वत्जन बहनों और भाइयों, मुझे पता नहीं कि मैं आपके सम्मुख यहाँ खड़ा रहकर कितनी अच्छी हिंदी बोल पाऊंगा, और मेरे विचार आपके पर्यंत आपके प्रति कैसे मैं व्यक्त करूं, ये मेरे एक समस्या है। फिर भी मेरा प्रयास है और आप मुझे इस मेरे प्रयास को समझ कर लेंगे, मेरे विचारों को, भावनाओं को भी समझ कर लेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। मुझे ये भी मैं जानता हूं कि बहुत समय हो चुका है और आपके, हालांकि आपने मास्क पहन रखा है, फिर भी आपके चेहरे में थोड़े से पढ़ सकता हूँ, फेस रीडिंग थोड़ा थोड़ा आता है मुझे, ये अभी क्या बोलने वाला है, कितनी देर बोलने वाला है। सबके पेट में कुछ ना कुछ होता होगा, फिर भी मैं आपको आश्वासित करता हूँ 10 मिनट से आगे नहीं बोलूंगा। हिमाचल विश्वविद्यालय के इस कार्यक्रम में सम्मिलित हूँ। जैसे कि उल्लेख बहुत बार हो चुका, मैं गोवा से समुद्री इलाके से आ चुका हूं, वहां से समुद्र की गहराइयां और यहाँ के पहाड़ की चोटियां, इसका तालमेल करना मेरा काम रहेगा ऐसा मुझे लगता है। कितना गहरा अपनापन और कितनी ऊंचाई का हमारा कसौटी कार्य, इन दोनों को तालमेल में रखकर मुझे लगता है मुझे यहाँ की यात्रा का प्रवास का शुभारंभ करना होगा। मैं वैसे गोवा के उस परिवार से आता हूँ जहाँ बहुत छोटा परिवार, बहुत गरीब परिवार था, और इसलिए गोवा के समुद्र किनारे पर ही हमारा घर था, तो समुद्र की गहराई, उनकी लहरें, उसकी आवाज कैसी होती है, उसका मुझे पूरा परिचय है। उस आवाज को, उस भावना को यहां पहुंचाना मेरा कार्य रहेगा। इस विश्वविद्यालय के 50 साल पूरे हुए हैं, 52 साल पूरे हुए हैं, और मंच पर जो आसन ग्रहण करते हैं उनमें से लगभग सभी यहाँ के स्नातक हैं, और बहुत सारे नाम यहाँ जिसका उल्लेख किया गया, इस सबको देखते हुए मुझे लगने लगा, मैं आचार्य सिकंदर जी से भी आग्रह करूंगा कि मुझे भी यहाँ का स्नातक बनाने का कुछ प्रावधान है तो जरूर मुझे रजिस्टर करवाइए एक विद्यार्थी के नाते। इतनी बड़ी परंपरा, इतना बड़ा इतिहास, गौरवशाली इतिहास इस विश्वविद्यालय का है। किसी को भी लगेगा मैं भी इस विश्वविद्यालय का स्नातक होना चाहिए, मुझे भी, ऐसा कोई भी सोच सकता है। ऐसे विश्वविद्यालय का मैं कुलाधिपति बना हूं, ये मेरा सौभाग्य है। वैसे वास्तविक शिक्षा हमारे जीवन का आधार होता है। शिक्षा जब हम प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, वो शिक्षा कभी भी पूरी नहीं होती। एक महानुभाव ने कहा कि मनुष्य आजीवन विद्यार्थी होता है और हमेशा शिक्षा प्राप्त करना उसका काम होता है, कर्तव्य होता है। उस दृष्टि से हम हमेशा ही विद्यार्थी हैं, शिक्षार्थी हैं, परंतु शिक्षा जो हम प्राप्त करते हैं उस शिक्षा का लक्ष्य क्या होना चाहिए, ये शिक्षा प्रदान करने वाले और शिक्षा का ग्रहण करने वाले को भी पता होना चाहिए। शुरू शुरू में हमको लगता है कि हम शिक्षा प्राप्त करने के लिए पाठशाला में जाते हैं, उस समय क्यों पाठशाला में जाते हैं पता नहीं होता, बाद में हम कॉलेजेस में जाते हैं, वहां भी क्यों जाते हैं पता नहीं, कहां यहां वहां और कोई शिक्षा नहीं मिली या और कोई नौकरी नहीं मिली, इसलिए हम शिक्षा ग्रेजुएट्स बनने, स्नातक बनने का प्रयास करते हैं। शिक्षा का विषय, शिक्षा का लक्ष्य
हमारे जीवन पद्धति से जुड़ना चाहिए। हम क्यों शिक्षा लेते हैं, क्या इसका अर्थ है, इसको ध्यान में रखकर ही शिक्षा देनी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। दुनिया भर के सभी विश्वविद्यालय इस पर जोर देते हैं और कहते हैं, परंतु कितने विश्वविद्यालय इसमें सफल होते हैं, यह एक शोध का विषय है। मैं कुछ ही दिनों में दिन पहले प्रोफेसर सुहाना सिंह का एक पुस्तक पढ़ रहा था, एंशियंट एजुकेशन इन एंशियंट इंडिया, हेरिटेज एजुकेशन इन एंशियंट इंडिया। उन्होंने बहुत बहुत छोटा पुस्तक है, आप में से कई लोग एक बैठक में उसको खत्म कर देंगे पुस्तक पढ़ के, लेकिन उन्होंने जो विषय दिए हैं उसमें वो बहुत ही स्तुति करने वाले हैं। उस विषय से हमको समझ में आ सकता है कि हमारी शिक्षा क्या है। हमारे शिक्षा मंत्री ने मैकॉले का यहां उल्लेख किया, मैकॉले क्या करना चाहते थे, वो क्या सोच रहे थे, उनके सोच की तरह सोच के मुताबिक आप आज हम बने हुए हैं। वी आर फिजिकली इंडियंस एंड मेंटली वेस्टर्न, ये आज हम बने हुए हैं। उस पुस्तक में लिखा हुआ है कि हमारी परंपरा क्या थी, शिक्षा की परंपरा क्या थी, उस परंपरा को हमको बनाए रखना है या नहीं, कौन से विषय आज की शिक्षा के होने चाहिए, इन सभी विषयों की वहां चर्चा की गई है। जब जब यहां आक्रांत आए हैं तो उन्होंने अपनी शिक्षा को लक्ष्य किया है, और उस समय के जो यूनिवर्सिटीज थी, जैसे कि हम सब जानते हैं, नालंदा हो, तक्षशिला हो या और कोई, उन पर उन्होंने आघात किए हैं, क्योंकि वो हमारे संस्कृति के, हमारे विचारों के प्रचारक थे, प्रवाहक थे। उसको जब उन्होंने उस पर आघात किया तो बाद में पता चला कि हम बहुत कुछ खो चुके हैं। तो आज हमारी शिक्षा जो है कहां हमको ले जाती है, कहां हमको लेकर जाना है, आज के युवा पीढ़ी को हम क्या शिक्षा देने वाले हैं, क्या विचार देने वाले हैं, इस पर हमारे विश्वविद्यालय का स्तर पहचाना जाएगा। You tell me the songs of your youth, I will tell you the future of your nation. आज की युवा पीढ़ी किस ढंग से विचार करती है, वो अगर हम देखेंगे तो हमारे पूरे देश का भविष्य हम आज ही बता सकते हैं। इसलिए आज की युवा पीढ़ी किस ढंग से विचार करती है, ये हम पर निर्भर होता है। इसलिए शिक्षा का प्रावधान जब हम करते हैं तो इस विषय पर होना चाहिए, इस दिशा में होना चाहिए। कोरोना का यहाँ विषय चल रहा था, चल विश्वविद्यालय के 52वें स्थापना दिवस के लिए उपस्थित था। बहुत अच्छा लगा कि इस विश्वविद्यालय में जिस तरीके से शिक्षा प्रदान की जाती है, कार्यक्रम किए जाते हैं, बहुत अच्छा लगा कि इस विश्वविद्यालय में से मैं जब बहुत ज़्यादा और भी उम्मीदें रखता हूँ, और आने वाले समय में इसको बहुत मेरी शुभकामनाएं हैं। इस विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले सभी विद्यार्थियों को भी मैं मेरी शुभकामनाएं देता हूँ। सर, विश्वविद्यालय के छात्रों ने डिमांड की है, मेरे पास अभी तक यह विषय आया नहीं है, आने के बाद देख लूंगा।